हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका भाई भी मस्त और स्वस्थ है, झकास है एकदम। और आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। तो बने रहिए आज के ब्लॉग वीडियो में। तो हम दुर्गांद्रा के आसपास पहुंच चुके हैं, यहां से 10 किलोमीटर है। तो आज अभी 2 घंटे में दुर्गांद्रा क्रॉस कर जाएंगे भगवान। तो देखते रहिए, आप बने रहिए वीडियो में। आगे कौन कौन सा लोकेशन आने वाला है वो सब कुछ मैं दिखाता हुआ लेके चलूँगा आपको। गुजरात एरिया भाई बहुत ही मस्त लगा मेरे को। वो खेती बाड़ी में भी कोई कमी नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है। और हमारा आज का भी सफ़र हाईवे ट्रैक से रहता है भाई। हाईवे निकल रहा है इधर से, साधन धरे, बड़े बड़े वाहन धरे, तो हमारा सफ़र इन पर अच्छा रहता है, चल पल रहती है भाई। तो हम यहाँ से थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। हमारा ये झंडा वंडा नेजा वेजा यहाँ रखा हुआ है। बरसात आ रही है यार भाई, बरसात फुल आ रही है। तो यहाँ बरसात रुकने के बाद ही हम आगे प्रस्थान के लेंगे भाई। तब तक यहाँ वेट करते हैं। अपने स्नान स्नान भी कर लिया सुबह, झकास अच्छा मूड लगा भाई। आज तो मौसम बहुत ही शानदार है भाई, झकास है, बरसात बस रही है, झिलमिल झिलमिल बादल भी चढ़े हैं। तो अभी तो हम दुर्गांद्रा पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। वहाँ तक का जो भी रास्ते में जो भी नज़ारा होगा वो सब कुछ दिखाते हुए लेते चलेंगे हम आपको। आज यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा 29वें दिन का चैलेंज भाई। काफ़ी दिन हो गए और 29वां दिन हम दुर्गांद्रा में प्रवेश कर चुके हैं। देखते हैं आज 29वें दिन का चैलेंज सफ़र हमारा किस प्रकार से रहता है, कैसे कैसे नज़ारे आते हैं, कौन कौन से लोकेशन आते हैं, वो सब कुछ दिखाता हुआ लेता चलूँगा मैं। और भाई बरसात आ रही थी यार, मैं यहाँ रुका हुआ था, एक भाई आया यार, तू क्या क्या देगा मेरे को देखते है। ये सूंप गया, ये साबुन है, जर्दा है, ये शैम्पू है, पानी की बोतल। और वो गया कि आप आगे आओ, नाश्ता वास्ता करेंगे होटल पे। गया भाई, मैं चलता हूँ भाई आगे, वो इंतज़ार करेगा, इनको रख देता हूँ मैं बैग में। तो भाई अब लग जाते हैं अपना सफर, यहाँ से रवान के लिए इंतजार कर रहा है खड़ा रास्ते में, मैं चलता हूँ मिलता हूँ। भाई ने तो मौज ही कर दी यार, भाई नाश्ता करा दिया बढ़िया छकास, क्या पता क्या क्या थे यार, मैं तो नाम ही नहीं जानता, मैं तो फुल हो गया भाई, ऊँट छोड़नी पड़ी, बहुत आनंद आ गया भाई। अब यहाँ से मैं पकड़ लिया अपना रास्ता भाई, ने तो यार मौज कर दी भाई सुबह सुबह। मैं तो नया तो गया, धीरे धीरे चल रहा था, तो यार बढ़िया। अब नाश्ता वास्ता भी हो गया, चकाचक फ्रेश हो गया, सब मूड आनंद में है भाई। सीताराम बोलते हैं बढ़ते हैं सफर में आगे। आप यहाँ के खेतों का नज़ारा देख सकते हो, लहराती हुई फसलें, क्या मस्त खेत है भाई। आज हमारा चैलेंज सफ़र हाईवे ट्रैक से होते हुए रहता है। हाईवे ट्रैक से गुजर रहा हूँ भाई, दोनों साइड प्रॉपर साधन चल रहे हैं। और बीच में देख सकते हो आप, फूल बाड़ी लगी हुई है, बहुत शानदार दिखाई देता है लोकेशन। आप देख सकते हो यहाँ का सुंदर नज़ारा, क्या मस्त फीलिंग मारता है भाई। भगवान ऐसे सुंदर नज़ारों के साथ हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सीताराम रोड का सफ़र बहुत अच्छा फीलिंग मारता है भाई, मस्त मस्त है एकदम, चकास है। मौसम तो है ऐसा है यार, बहुत मस्त मत वाला मौसम हो रहा है भाई, मस्त मस्त धीरे धीरे चल रहे हैं हम, बहुत मंद्रम मंद्रम। रोड ऊँचा है और नीचे नीचे जंगल चल रहा है भाई, चलते हैं बढ़ चलते हैं आगे। भगवान अधिकतर हमारा सफ़र हाईवे ट्रैक से गुजरता है, मस्त लोकेशन मारता है, क्योंकि यार हम लोकल रास्ते में नहीं चलते तो परेशानी आती है। हाईवे ट्रैक पर तो बहुत आनंद से चलने का सफ़र होता है भाई, ऐसी होटलें भी आ जाती है, ठहरने की व्यवस्था मिल जाती है। तो हाईवे ट्रैक का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहता है भाई, तो चलते हैं आगे। भगवान लोकल रास्तों में हम गुमराह हो जाते हैं, इसलिए हाईवे ट्रैक का साथ लेते हैं। मस्त है एकदम, ठीक है। 29 दिन तो हो गए मगर अभी तो सफ़र हमारा बहुत आगे है भाई, 30 दिन का बिल्कुल एहसास नहीं है। हम तो यही पता नहीं है कि आज 29 दिन हो गया, मगर चलते हैं फिर भी, कर लेते हैं तारीख अटेंड और तो पता चल जाता है तारीख। बार बार का तो कोई पता है नहीं हमें, क्या बार है भाई, कोई पता नहीं कौन सा गांव आ रहा है, कौन सा निकल रहा है, सफर एकदम झकास हो रहा है भाई। और 29 दिन हो गए मगर हमको इतना एहसास नहीं कि हमको 29 दिन हो गए, प्रभु जानो 29 घंटे हुए हैं। तो हम सफ़र में बहुत ही मस्त चल रहे हैं भाई, हमें कोई तकलीफ नहीं है और आगे चलते हैं। इधर बड़ा सारा ब्रिज आ गया यार, चढ़ जाते हैं ब्रिज में, वहाँ से चल के दिखाते हैं आपको नज़ारा। यार की फुहारे चढ़ी यार, बाल भीज रहे हैं, बहुत मस्त का लोकेशन। ओ भाई क्या मस्त लोकेशन फीलिंग होता है यहाँ से दुर्गांद्रा का, दुर्गांद्रा शहर दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा मस्त लोकेशन है भाई। हम दुर्गांद्रा से साइड में होते हुए निकल रहे हैं हाईवे ट्रैक पे। ओ यार क्या मस्त की फीलिंग है भाई, हाईवे ट्रैक बहुत मस्त दिखाई दे रहा है यहाँ से दुर्गांद्रा की फीलिंग, बहुत मस्त लोकेशन है भाई। भगवान आपको लग रहा होगा पोजीशन ठीक नहीं, पोजीशन एकदम मस्त है, झकास है यार, ये तो क्या बरसात है ना इसलिए बाढ़ ऊंचे नीचे होते रहते हैं। अभी भी फुहारी चल रही है रिमझिम रिमझिम, मस्त मस्त। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं मंद्रम मंद्रम। देखो यार भगवान ऐसी गाड़ियाँ इधर, पानी वाणी पी लेते हैं भाई, बोतल ले लिया में। प्रकृति का नज़ारा बहुत शानदार है यार, आ तो धीरे धीरे मंद्रम मंद्रम, बरसात ही बरस रही है, बहुत मस्त लोकेशन है भाई, अच्छे हैं। आराम करने के बाद फिर चलेंगे आगे। और इन ठेलों पे खजूरें बहते हैं, खजूरें इतने बड़े बड़े होते हैं कि कच्चा खजूर। अच्छा कच्चा खजूर, वाह यार कच्चा खजूर बहते हैं, ऐसे ठेले लगा लगा के खजूर बहते हैं, ये कच्चे खजूर है भाई, वैसे मोटे मोटे। एक भाई मेरे को भी दिया था कल, खाया था मैं, बहुत मस्त लगते हैं यार।
ये गाड़ी वाले भाई यहाँ पे चाय बना रहे थे, ये रोक लिया मैं। चाय वाय पी जाओ भाई, तुम चाय वाय पी लिए बढ़िया मस्त। देखो यार भगवान, इधर के तो टोल भी बहुत बड़े हैं भाई, बहुत लाइन लगी हुई है यार टोल की। यहाँ से होता है हमारा सफर आगे युवालिया से, फिर और आगे रास्ता देख लेंगे भगवान, चलते वहाँ तक। भगवान ये भाई होटल वाला बुला लिया, इसने बढ़िया चाय पानी नाश्ता करा दिया, और रोक भी रहा था, मैं जो डांट रहा था कि यहीं रुक जाओ यार भाई, कल निकल जाना, मगर मैं कहा नहीं भाई, अभी तो 6 बजे हुए हैं, बहुत दिन है, आगे जाने दो। तो अब ये बोला कि आगे जाओ 7 किलोमीटर आगे, अपना ही गांव है तो वहीं व्यवस्था हो रही है, ये फ़ोन कर दिया, वहीं रुकेंगे आज तो भाई। तो गुजरात का देसी जुगाड़ कोई ऐसे पानी निकालने का, तो भाई क्या मस्त है यार, और खेतों की हरियाली भी क्या खूबसूरत दिखाई दे। इधर आप देख सकते हो जंगल टाइप का एरिया आ गया, जमीन नहीं, इधर बंजर जमीन है भाई। हम पहुँच चुके हैं कुली गाँव में, कुली गाँव के पास में माता जी का मंदिर है, बहुत अच्छी लोकेशन है भाई यहाँ पे। तो आज 29वें दिन के चैलेंज का विराम हमारा यहीं रहने वाला है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सीताराम।